अंधेरा बड़ा साले मुझे सोने नहीं दे रहा। किसके हेयर हेयर से मिला थे हेयर हेयर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी भतीजी का बर्थडे पार्टी है, इस वजह से जो है मैं अब आज वीडियो रिकॉर्डिंग की हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो काफ़ी पहले की है बट मैं अभी अपलोड कर पा रही हूँ इसे, इसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम आए हैं शॉप में बर्थडे रैप ख़रीदने के लिए, क्योंकि गिफ्ट रैप करना है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने बर्थडे रैप ले लिया है और अब यहाँ पर पैकिंग शेकिंग कर फिर हम यहाँ से रवाना होंगे। मीरा रोड से हम जाएँगे सेंटा क्लॉज़ के लिए। तो बस हम निकल गए हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे जा रहे हैं। कुछ शाम का वक्त है, ये 6:30 बज रहे हैं अब। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से जाएंगे। तो ये मेरी प्यारी सी भतीजी है जिसका बर्थडे है, फ़ाइज़ा, जो 2 साल की हो गई है। हम इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने आए हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर ये मेरी प्यारी सी भतीजी है और ये एक मेरी भतीजी है यहाँ पर, इसका नाम है ना अमायरा है। ये देखिए, ये जो है ना, ये मेरी प्यारी सी एक भतीजी है अमायरा, ये भी 2 साल की हो गई है। ये 7 दिन फ़ाइज़ा से बड़ी है, यानी कि ये 7 दिन पहले पैदा हुई थी और वो फ़ाइज़ा जो है 7 दिन के बाद पैदा हुई। तो ये देखिए माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे से जो है ना खेलते हैं एक दूसरे के साथ में। डांस करो, मोहम्मद की मामा डालेंगे, मोहम्मद नहीं डालेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज है जिससे ना सब चीज मिट जाती है, बताओ क्या है? कलर भी नहीं है, टेप कैसा है?
सही जवाब। चॉकलेट्स जिसको भी मालूम है वो हैंड्स अप। चौथे स्टॉप में तो तीसरे हाथ
बाप का नाम हम क्या करेंगे? ठीक है मैं बताऊं, मैंने बोला ऐसा सोचो कि तुम लोग वो ट्रेन के ड्राइवर हो, तब मैं पापा का नाम बताऊं। गुड वन गुड वन, लेकिन नहीं मिलेगी फ्रूटी। मेरे पास भी है ये वाला, अभी मेरे पास दो दो है। दादी मेरे पास भी तो थैंक यू बोल, मालूम है किधर से आता है। ए अच्छा है ना रिटर्न गिफ्ट। तो अब हम बर्थडे पार्टी से निकल गए हैं और करीब 12 बज गए हैं रात के, और पूरी की पूरी ट्रेन जो है ना खाली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरे कंपार्टमेंट में सिर्फ हम लोग हैं और एक लेडी बैठी है वहाँ पर। तो पूरा कंपार्टमेंट जो है ना खाली है, 12 बजे का वक्त है ये। तो बच्चे हैं ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खासकर मोनमोन बहुत इंजॉय कर रही है। खाली ट्रेन होने की वजह से वो समझ रही है जैसे कि सारा का सारा प्लेस उसका ही है। तो जैसे चाहे वैसे लेट रही है, जैसे चाहे वैसे वो डांस कर रही है पूरे ट्रेन में। तो पता नहीं मुनमुन को किस बात की खुशी है, वो इतनी रात के वक्त भी मतलब है ना इतना मस्ती में जा रही है, पूरे रास्ते भर वो इतनी मस्ती करती हुई आई है डांस में। और बस उसको ऐसा लग रहा है वो सब खाली खाली दिख रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए आ रही है वो रास्ते में। रात के 1:15 हैं अभी इस वक्त, देखिए रात के 1:15 हम लोग मीरा रोड स्टेशन पे पहुंच गए हैं अभी। और बस अब आगे से एग्ज़िट है, एग्ज़िट लेकर फिर आगे ऑटो स्टैंड है, वहाँ से ऑटो स्टैंड पे से ऑटो लेकर हम घर पे इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।